हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी के मंत्रियों को चाहिए आलीशान घर। अखिलेश के बंगले पर सिद्धार्थनाथ सिंह की नजर। टोटी विवाद के बाद मंत्रियों में बंगला पाने की होड़। अभी तक सिद्धार्थनाथ सिंह जिस बंगले को लेकर अखिलेश यादव से उलझे हुए थे, सवाल जवाब कर रहे थे, अब उसी बंगले पर उनका दिल आ गया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह यादव का बंगला चाहिए। इसके लिए उन्होंने 31 मई को प्रमुख सचिव सीएम को एक पत्र लिखा था। पत्र में लिखा गया है कि मुझे आवास संख्या 19 गौतम पल्ली मार्ग पर मंत्री आवास आवंटित है, किंतु उस आवास में कैंप कार्यालय के स्टाफ और आगंतुकों आम जनता के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण काफी असुविधा होती है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम से जो आवास आवंटित हैं, उन्हें खाली कराया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे आवंटित आवास संख्या 19 गौतम पल्ली मंत्री आवास के स्थान पर 4 विक्रमादित्य मार्ग अथवा 5 विक्रमादित्य मार्ग आवासों में से किसी एक आवास को आवंटित किया जाए। उनकी नियत के बारे में ये बात अब साफ हो गई है। श्री अखिलेश यादव जी ने बंगले में अब उसकी जाँच हो रही है। हमने महामहिम राज्यपाल जी से भी कहा कि उसमें कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। जैसा बंगला था, जैसी मुख्य इमारत थी, वैसी की वैसी है। एक जिम था जो अपने अलग से बनवाया था, वो भी अलग पिलर्स पर था, जिसमें उनके बच्चे आकर के बैठते थे, खेलते कूदते थे, वो उसको ले गए। इतनी बात है बस, नहीं तो वहाँ पर इतनी बागवानी की गई है, हरियाली है, पेड़ लगाए हैं, और बंगले की साफ सफाई, उसकी पुताई सब वैसी की वैसी है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन बदनाम करने की भी एक सीमा है, जनता सच्चाई जानती है। आपको बता दें कि टोटी विवाद वाले बंगले को लेकर होड़ मची हुई है। मंत्रियों से लेकर अफसर तक इसमें रहने के ख्वाब देख रहे हैं। हाल ही में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का इस पर दिल आ गया। उन्होंने इसमें रहने के लिए इच्छा जताई। ये बंगला राजधानी लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही इसे खाली किया था। खाली बंगले में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया था। बंगले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें टाइल्स और टोटी तक उखड़ी मिली थी। अखिलेश ने तब साफ किया था कि उन्हें बदनाम करने की ये सिर्फ साजिश थी। बंगला का निर्माण उन्होंने खुद अपने पैसे से कराया था। स्वास्थ्य मंत्री ने तब पूछा था कि आखिरकार दीवार के पीछे क्या छिपा कर रखा गया था, जिसे निकालना जरूरी था। साथ ही उन्होंने निर्माण में अखिलेश द्वारा लगाए गए पैसे को लेकर भी सवाल उठाए थे कि उनके पास इतनी रकम कहां से आई। हमारे घर में टूटी टाइल, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, और सरकारें कभी नहीं रहती हैं। कल हमारी सरकार थी, आज नहीं है, तो ये तो हो सकता है अधिकारियों को, अगली बार हमें मौका मिले तो हो सकता है कि ढूंढ करके वो चिलम ले आए कहीं से, कि देखो चिलम हमें मिली है, कोई घर खाली करके गया है, उसमें चिलम मिल गई हमें। तो जो टोंटी ढूंढ सकते हैं सरकार बदलने के बाद, वो चिलम भी ढूंढ लेंगे। लोग प्यार में अंधे नहीं होते हैं, लोग प्यार में अंधे होते होंगे, लेकिन गुस्से में और जलन में कितने अंधे हो सकते हैं वो मैंने देखा है। ये जलन है, नफरत है। आपने चाबी दी, उस समय वीडियोग्राफी हुई, चीजें सामने आती हैं। आपने कुछ और भी कहा, और कहा ये कि बंगला मैंने अपनी पसंद से बनाया और अपना पैसा लगाया वहां पर। बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी पसंद के हिसाब से अपना पैसा लगाया और बहुत ज्यादा लगाया आपने कहा। क्या हालत थी उसकी, आके देखता कोई तो शायद इनकम टैक्स वालों को देखना चाहिए कि उसका हिसाब सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपने खाली दीवार क्यों तोड़ी, उसका रहस्य क्या है, दीवार के पीछे क्या छुपा था, वो आप बताइए। इससे पहले कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के निजी सचिव तिलक राज की ओर से डीजी हेल्थ से 3 अलग अलग टीवी की डिमांड का लेटर सामने आया था। इसके बाद मई में एक लेटर सामने आया था, जिसमें निजी सचिव तिलक राज ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को 2 अप्रैल 2018 को पत्र लिखकर लैपटॉप की मांग की थी। हालांकि मंत्री की तरफ से इसका खंडन किया गया था कि उस पत्र के संज्ञान में आते ही उसे निरस्त कर दिया गया।
आपको बता दें कि सिद्धार्थनाथ सिंह योगी कैबिनेट में मंत्री हैं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती हैं। वो इलाहाबाद पश्चिमी से विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।